बातचीत हो रही है क्या इसके साथ? नहीं, इस पर डिस्कशन है। तो वहाँ माइनॉरिटी को टिकट देना ये प्रेशर है। शिगांव में इंशाल्लाह माइनॉरिटी को मिलने की पूरी चांसेस है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आप भी जो है एस्पायरेंट हैं। नहीं, मैं एस्पायरेंट नहीं हूँ। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी को टिकट मिलनी चाहिए हम लोग नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं, अभी काफ़ी लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे मेरे बारे में, अभी तो मैं MLC हूँ मैं, और 3.5 साल है मेरा MLC का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी माइनॉरिटी को देना ये हमें प्रेशर हम करेंगे, और आने वाले दिनों में जो है वहाँ इलेक्शन हम जीत के आएंगे। लेकिन सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा, सब मिलके जुल के इलेक्शन करना है तो हम जीत सकते हैं। लेकिन पिछले जीते थे लास्ट टाइम माइनॉरिटी जीते थे, हारे थे हम लोग। फिर इस बार भी हम लोग पूछ रहे हैं कि हम माइनॉरिटी को मिलनी चाहिए सीट। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर इस बार? सबको कई एस्पायरेंट्स काफ़ी डिमांड है उसमें, माइनॉरिटीज भी है, नॉन माइनॉरिटीज भी टिकट मांग रहे हैं वहाँ। लेकिन वो अभी तो एक कमेटी बनाया गया, कमेटी मैं भी मेंबर हूँ, ईश्वर कंट्री की कमेटी, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट हमने सबमिट नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हम सबमिट करेंगे कि रिपोर्ट में कौन कौन टिकट मांग रहे हैं, प्लानिंग क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे हमें जीतना है, इसके बारे में प्लानिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद जो है डिसीजन लेंगे फाइनली। AICC मतलब खड़गे साहब, CM और DK कुमार, DCM सब मिलके जो है, सुरजेवाला जी जो इंचार्ज है, वेणुगोपाल, सब मिलके फाइनल करेंगे कैंडिडेट कौन बनना चाहिए। BJP वाले जो है यात्रा निकालने वाले हैं, क्योंकि असेंबली काउंसिल में डिस्कशन के लिए तैयार नहीं थे। जब हम लोगों ने कहा कि डिस्कस करो, CM रिप्लाई करेंगे, तो जानबूझ के CM को रिप्लाई करने नहीं छोड़ा। दे केम टू द वेल, धरना करे, प्रोटेस्ट करे, पूरी रात वहीं रुके, क्योंकि CM रिप्लाई देने के लिए तैयार थे, क्योंकि CM का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने इंक्वायरी, एक तो SIT इंक्वायरी फॉर वाल्मीकि स्कैंडल, पुनः इंक्वायरी करा। सो ये मूढ़ा का भी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज दाल को जो है इंक्वायरी करो बोल को है। सो इंक्वायरी इज फ्रॉम 2006, सो तब से भी पूरा इंक्वायरी करो। वी विल नॉट लीव एनीबडी हु इज गॉट इन्वॉल्व्ड। सो हमारे जो इसके वाल्मीकि इसमें है ना, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 80% मनी हैज़ बीन रिकवर्ड बाई आवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। SIT जो करे हैं उन्होंने फॉलोअप करके जो है ना, वी हैव गॉट बैक ऑल द मनी ऑलमोस्ट। अभी क्या कि 10% की 15% आना करता है। सो दैट इज अचीवमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट। सो वी विल नॉट लीव एनीबडी हु हैज मिसयूज द वाल्मीकि बोर्ड्स पैसा, जो भी इसको छोड़ते नहीं। वी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिकवर, दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। सेकेंडली, मूढ़ा में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एज पर गाइडलाइन, एज पर रूल्स दैट साइट्स हैव बीन अलॉटेड। तो उसमें पूरे कुमार स्वामी का भी है, देवेगौड़ा का भी है, GT देवेगौड़ा का, पूरे JDS वाले का पूरा है। सो नथिंग इलीगल हैज़ बीन डन। सो CM केम आउट विथ ऑल द डिटेल्स। सो वॉन्टिंगली पोलिटिकली मोटिवेटेड सिद्धरामय्या के खिलाफ नो, नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट जो है दिल्ली से जानबूझ को जो है ED कर को जो है उस पर उनको एक उसका नाम कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो उनका एक ऑफिसर, दो ऑफिसर्स जो है हमारे एक कलेज पर काफ़ी बुला को, तुम्हें सिद्धरामय्या का नाम बोलो, मिनिस्टर का नाम बोलो, जबरदस्ती करके जो है, दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ED इटसेल्फ शोज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व टू DFM चीफ मिनिस्टर सिद्धरामय्या। तो इसके जो है FIR फाइल किया है, उन पर FIR फाइल करे थे तुम्हें। सो एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हैज कम आउट विद, CM हैज कम आउट विद ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस स्कैंडल। तो ये डिटेल्स तो आ गए सर। यत्नाल का जो स्टेटमेंट आया है वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर ये जो यात्रा निकाली जा रही है, सिद्धरामय्या को कुर्सी से नीचे उतारने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, इसके पीछे DK शिवकुमार का हाथ है। बिल्कुल गलत है, गलत स्टेटमेंट है। पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरे मिनिस्टर्स, शिवकुमार सब लोग जो है, क्योंकि हमें मालूम है सिद्धरामय्या कोई गलती नहीं की है, इसलिए उनके साथ में है। यत्नाल जो है वो खुद बोला कि वो जो स्कैंडल हुआ है मूढ़ा का, वो BJP हुकूमत में हुआ है। ही हैज मेड अ स्टेटमेंट दैट BJP की हुकूमत में हुआ है बोल को। सो इन दैट केस नथिंग, बट यत्नाल जो है उनके खुद के लीडर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि विजेंद्र पार्टी का प्रेसिडेंट है, खुद निकाल रहा दूसरा यात्रा। तो सीधा नहीं, यत्नाल ने खुद कहा था कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 2,500 करोड़ खर्च करना, मेरे पास कहाँ पैसे है। उस टाइम जब बम्बई चीफ मिनिस्टर बना है तो किया था। सो उनके खुद के पार्टी के लोग नाराज़ थे BJP से, लीडरशिप से। और सेकेंडली मैंने कहा कि आपको यात्रा निकालनी चाहिए बेंगलुरु से दिल्ली, क्षमा यात्रा, माफ़ी यात्रा करना है कर्नाटक का। जो इंजस्टिस आपने किया बजट में, जो हमारा मिलना था, हमारा हक था, वो आपने दिए नहीं। तो सारे 19 MPs और सेंट्रल मिनिस्टर पद यात्रा करना चाहिए दिल्ली के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस सिलसिले मैंने कहा कि उनका जो लोग आपको देख रहे हैं, आप 19 MPs है, 5 सेंट्रल मिनिस्टर है, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद कर्नाटक को कुछ नहीं मिला।
तो इसके खिलाफ आपको पादयात्रा करनी चाहिए, ये हमने कहा था। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी, एक तरफ बीजेपी की यात्रा अगर निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बताएंगे उनको, उनको आगे जो दिन नंगा करेंगे हम उनके स्कैंडल्स पे, जो है सारा पेपर तैयार है, डिटेल्स रेडी है, 20 इश्यूज़ है जिसमें इन्वॉल्वमेंट है उनके, बीजेपी के जो लीडर्स है, 20 इश्यूज़ है जहाँ बहुत ज़्यादा जो स्कैंडल्स होकर है, एक क्योनिक्स में करीबन 500 करोड़ का घफला हुआ है उनके गवर्नमेंट के टाइम पे, तो ये सारा कुछ हम एक्सपोज करेंगे। तो हमें क्लियर है कि हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर या कोई भी जो है इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वाल्मीकि के बाद मुडा का जो इशू उठा है उसके बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट भी करप्शन की तरफ जा रही है। नहीं नहीं बिल्कुल जो है स्कैम्स की तरफ है। नहीं बिल्कुल नहीं है, दोनों स्कैंडल में जो है मुडा को तो मतलब भी नहीं, साइट सिर्फ साइट का पुराना है, 20 साल पुराना है वो तब से। तो हम लोग इंक्वायरी 2600 शुरू किया है, तो मुडा पुराना सा है, उसमें सब उसमें कोई भी इलीगल नहीं है, तो ये जानबूझ के पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जानबूझ के सिद्धरामैया को फंसाना चाहते हैं, इसमें सिद्धरामैया कोई गलती नहीं। कर्नाटक में बीजेपी की पदयात्रा पर सलीम अहमद का बड़ा बयान, बीजेपी सबसे पहले माफी यात्रा निकाले, बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बीजेपी माफी यात्रा निकाले, फिर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बात करे। सलीम अहमद ने कहा कि मुबैना मोड़ा स्कैम को लेकर बीजेपी जेडीएस की यात्रा बेमानी है, जबकि मरकजी हुकूमत हर मामले में कर्नाटक के साथ नाइंसाफी कर रही है, बजट में कर्नाटक को नज़रअंदाज किया गया है, लिहाजा पहले बीजेपी कर्नाटक के अवाम से माफ़ी मांगते हुए माफ़ी यात्रा निकाले। केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चीफ व्हिप और एमएलसी हैं सलीम अहमद। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।